भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,35,000 के पार हो गई है। इनमें से 1,05,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या घटकर 9,02,000 पर पहुंच गई है। गौरतलब संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना दिवस के अवसर पर IAF एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर अपने संबोधन में कहा कि वह राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना विकसित होगी और देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहेगी। हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप मामले में कॉल डिटेल्स को पीड़िता के भाई ने अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि वे लोग आरोपी के संपर्क में नहीं थे। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि मुख्य आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच 5 महीने से 100 कॉल हुई थी। पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से रेल सेवा बाधित होने की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ गया है। जम्मू में HP, BPC और इंडियन ऑयल डिपो ने पंप डीलरों को सप्लाई देना बंद कर दिया है, जिससे लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार के 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति के बाद से ही देश के कई हिस्सों में स्कूल खोल दिए गए हैं। हरियाणा में ट्रायल के तौर पर बहुत पहले ही स्कूल खोले गए थे। वहीं लक्षद्वीप में भी 11,000 बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और यूपी में भी स्कूल खोलने की सशर्त अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी भी पेरेंट्स वैक्सीन से पहले बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और माइक पेंस के बीच सॉल्ट लेक सिटी में एक डिबेट का आयोजन किया गया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस ने डिबेट में अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर तीखा जुबानी हमला बोला। राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की यह बहस ज्यादा अहम हो गई थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से 9 शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग्स डीलर्स का हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके आधार पर यह माना जाए कि जमानत मिलने के बाद वो कोई अपराध नहीं कर सकती हैं। हालांकि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का ये मतलब नहीं है कि वे ड्रग्स डीलर्स के नेटवर्क का हिस्सा हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मीडिया के मुताबिक सुशांत के सभी बैंक खातों में 5 साल में 70 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े हैं। ज्यादातर पैसा यात्रा, स्पा और गिफ्ट खरीदने पर खर्च किया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब काम पर वापस लौट आए हैं। अस्पताल से लौटने के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मजबूत स्थिति में होने के बावजूद 10 रनों की हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया है। IPL के मौजूदा सीजन के 21वें मैच में नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी के शानदार अर्धशतक की बदौलत 167 रन बनाए, जिसके जवाब में सुपर किंग्स की टीम शेन वॉटसन के अर्धशतक और अंबती रायडू के साथ दूसरे विकेट की उनकी 69 रनों की साझेदारी के बावजूद 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।